हेलो फ्रेंड्स, आई एम जतिन सिंह, योर फ्रेंड एंड कोच। आज एक वीडियो बना रहा हूँ जो अनटेंशनली बना रहा हूँ, इसमें मैंने कोई वाला प्लानिंग नहीं की है। तो वीडियोस में है कि आप, मैं मेनली पेरेंट्स के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई बार सुना है कि कई पेरेंट्स बच्चों को काम करने के लिए स्टार्टिंग में डी मोटिवेट कर देते हैं। तो मैं ये वीडियो अपना एक अपना खुद एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। तो मैंने कई बार पेरेंट्स को देखा कि जब लड़के को या अपने लड़की को काम करने को कहते हैं तो उसे पहले डिमोटिवेट कर देते हैं कि ये तो नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता। पर ऐसा है, पेरेंट्स को ऐसे नहीं करना चाहिए। जब चाइल्डहुड में था तब मेरे जो पिता कोई काम कहते थे तो कहते मुझे मोटिवेट करके बल बोलते थे कि ये तू कर लेगा क्योंकि यू आर कैपेबल। तो कब हाथ कांपते थे, तब ये मैं कैसे कर लूंगा, तब अंदर से कॉन्फिडेंस भी आता था और एक अंदर से एनर्जी भी आती थी। तो मैं उस काम को, चाहे मुझे नहीं आता था तब भी मैं करता था और उसे 100% नहीं कर पाता था, जितना भी है 70-80% मैं कर लेता था। तो मुझे धीरे धीरे जब मैं काम करता गया तो मुझे धीरे धीरे अंदर कॉन्फिडेंस आता गया और धीरे धीरे मैं अपने आप को इम्प्रूव करता गया। और जैसे कि आप स्टार्टिंग में किसी को डीमोटिवेट कर देंगे तो वो क्या है, काम स्टार्ट ही नहीं करता, उसके माइंड में फिक्स हो जाता है। तो वो कहता मैं तो कर ही नहीं सकता, वो हर बार स्टार्टिंग में बोल रहा था मैं तो कर ही नहीं सकता, जिससे कि आपकी जो माइंड ग्रोथ होती है वो पहले ही बैरियर लग जाता है। तो पेरेंट्स को अपने जो किसी भी बच्चे या अपने बच्चे या किसी के बच्चे हैं वो स्टार्टिंग में आपको क्या मोटिवेट करना चाहिए, और इसकी क्या उसकी जो झील है, जोश है, वो अपने अंदर हाई हो ना कि लो हो। तो आज की ये वीडियो थी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।